ये देखो भाई। हाँ क्या प्रॉब्लम है? अम्मा का फोन आ गया। भाई साहब गला पकड़ के भाई पानी में फेंक गया। सो गाइस वेलकम बैक टू चैनल। मेरा नाम है वेंकी। आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं GTA 5 और ये भाई एपिसोड 5 होने वाला है भाई GTA 5 का। यस गाइस लास्ट एपिसोड भी काफी तगड़ा था और उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे की स्टोरी भाई इस एपिसोड में पता चलेगी। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना और वीडियो को लाइक कर देना। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं। ओके गाइस लास्ट एपिसोड में भाई हमने पूरी हीस्ट प्लान कर ली थी। यस गाइस अभी फिलहाल गाइस लेस्टर का भाई मुझे मैसेज आ रहा है। आई एम ट्राइंग टू लोकेट दैट इक्विपमेंट। इट्स गोना टेक सम टाइम बिफोर वी आर रेडी टू गो टू ज्वेलरी शॉप। सो स्पेंड योर लास्ट फ्यू मोमेंट्स ऑफ योर रिटायरमेंट विद योर फैमिली। ओके गाइस सो लेस्टर कहना चाहता है कि भाई माइकल अभी हीस्ट पे जा रहा है। काफी समय बाद हीस्ट पे जा रहा है एक्चुअली और चांसेस हमेशा ही रहेगा कि माइकल भाई हीस्ट के दौरान मर सकता है, घायल हो सकता है, पुलिस उसे पकड़ के ले जा सकती है, कुछ भी हो सकता है गाइस, किसी को कुछ नहीं पता। सो गाइस यार लेस्टर सजेस्ट कर रहा है कि मुझे तो भाई टाइम लगने वाला है पेस्ट कंट्रोल से रिलेटेड इक्विपमेंट्स अरेंज करने में। तब तक भाई तुम ये सारा टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करो क्योंकि भाई क्या पता तुम आगे उनसे मिल पाओ या ना मिल पाओ। तो गाइस ये जाने से पहले हम लेस्टर को भाई एक बार फोन कर लेते हैं ऐसे ही। तो चलो भाई आओ गाड़ी बैठ जाते गाइस। चलो सो गाइस यार लेस्टर से बात हो गई है और अब भाई हम जा रहे हैं माइकल के घर। यस गाइस माइकल के घर। सो गाइस यार देखो मैं जा ही रहा था भाई, ये देखो क्या ही बंदा भाई मुझे मिल गया रास्ते में। ये देखो कैसी हरकतें कर रहा है भाई साहब। गाइस ये देखो भाई साहब क्या भाई क्या प्रॉब्लम है सर जी आपको? आई एम दी अनडेड हैं अनडेड। ओहो क्या फोन बजने लगा? हाँ It's a postmodern thing. I am like a self-aware zombie. Like it's the commentary on the proliferation of zombies in culture. Yeah, seriously, mom, I gotta go. Okay, I'm hanging up. ये देखो भाई। हाँ क्या प्रॉब्लम है? अम्मा का फोन आ गया। अंडेड मरने से भाई डर रहा है अंडेड हैं? ये ले भाई। ये ले गोली खा भाई। ये ले। ओके गाइस यार अनडेड को तो भाई अपने डेड कर दिया। अब भाई चलते हैं यार। सर जी यार आपकी गाड़ी बड़ी अच्छी है, दिखाओ मुझे। तो गाइस फिलहाल यार हमें माइकल के घर जाना है क्योंकि माइकल को भाई ये टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करना चाहिए। तो चलो भाई माइकल का घर भाई आने ही वाला है। ओके आ गया गाइस तो अंदर चलते यार। चलो गाइस चलो चलो गाइस मैं आ गया घर। कोई है? चलो ओके गाइस माइकल भाई ये देखो आराम से बैठा है सोफे पे और चिप्स खा रहा है, मूवी देख रहा है। वाह भाई बहुत ही बढ़िया। और ये भाई सर जी हमेशा की तरह भाई गेम ही खेलो, इतने चिल्लाओ भाई साहब। वो इतना तेज चला रहा है और ये माइकल भाई मूवी नहीं देख पा रहा अपनी। गया गाइस जिम्मी गया भाई उसकी खबर। क्योंकि भाई भाई साहब देखो कैसे ही के हजार किल कर दिए भाई पिक किल्स। भाई साहब हजार किल कर दिए जिम्मी भाई ने, पता नहीं कौन सा ही गेम खेल रहा है यार ये। तो देखो भाई साहब तोड़ दिया टीवी भाई एक झटके में। भाई साहब मॉम वाज राइट अबाउट यू, यू डोंट नो एनी बेटर एंड यू कांट हेल्प इट बट यू आर एन एसहोल। व्हाई डोंट यू डू समथिंग? कैसे बोलता है यार अपने पापा से? जस्ट स्टैंड देयर। व्हाई डोंट यू हिट मी? इज दैट व्हाट यू वांट टू बी हिट बाय योर सन? या नो आई जस्ट व्हाई यू डू बोलना क्या चाहते हैं? सिट देयर ईटिंग। या ग्रेट थैंक्स फॉर द फकिंग गाइडेंस डैड इट मींस अ लॉट।
Wait. I'm just trying to help you. Yeah, well, nothing says I love you like smashing my fucking TV. Nothing at all. Guys, Michael भाई काफी दुखी हो गया है, कैसे बात करते हैं भाई जिमी उससे। I'm sorry. Sorry बोल रहा है भाई। I just wish we could do things together. What things? I don't know. Go for walks, play ball. You know I have bad glands. Bike ride then. Bike ride. You want to go on a fucking bike ride? Fine. Let's go on a fucking bike ride. Okay guys, यार bike ride पे चलते हैं अब। जिमी भी मान ही गया। मुझे लगा था भाई जिमी भाई निकलते हैं अपने घर से बाहर। We'll take a bike ride along Vespucci Beach, and I'll show you just what you want to see. Okay guys, so जिमी कह रहे हैं भाई उसका मन है Vespucci Beach पे भाई बाइक राइड करने का, तो चलो गाइस चलते यार। गाइस वैसे Vespucci Beach भाई वही जगह है जहाँ पे भाई लैमा और फ्रैंकलिन ने भाई गोलीबारी की थी। यस गाइस, लेकिन हमें वहां से ही जाना, हमें थोड़ा दूर ही जाना है थोड़ा। Vespucci Beach भाई बहुत ही बड़ा है, तो रुको। ओके गाइस, यार Vespucci Beach पे ही पहुंचने ही वाले हैं, थोड़ा सा ही दूर, एक मिनट। चलो गाइस Vespucci Beach, गाइस ये रहा देखो कितना ही बड़ा बीच है, कितना ही सुंदर बीच है यार। देखो तो गाड़ी भाई पता नहीं किसकी है, जिसकी भी भाई काफी जबरदस्त है। देखो क्या ही कलर है भाई, ब्लू कलर की भाई गाड़ी। चलो फिलहाल मैं गाइस अपनी गाड़ी इधर पार्क कर देता हूँ। चलो गाइस चलो गाइस, ये रही भाई मिस्टर स्पोक बाइक रेंटल भाई। ओके गाइस, सो ओके गाइस, यार सर जी से हमने बात कर ली है और हमने दो साइकिलें रेंट पे ले ली, तो अब इनमें से भाई मुझे एक साइकिल चूज करनी है। सारी साइकिल भाई $20 ईच की है, तो रेंट के लिए गाइस, सेल के लिए नहीं, रेंट के लिए। देखो मिस्टर स्पोक बाइक रेंटल, तो मैं कौन सी लूँ गाइस, ये वाली अच्छी लग रही गाइस, इसको ले लेते हैं। चलो भाई सो गाइस, यार जिमी भाई पढ़ाई चला के यार वो कहता अगर मैं जीता तो आप मुझे भी टीवी खरीद के दोगे। माइकल को ही गाइस जीतना चाहिए यार, माइकल ही जीतेगा, नहीं तो अदरवाइज यार लाख डेढ़ लाख का भी टीवी, और टीवी भी ऐसा वैसा नहीं, कितना ही बड़ा टीवी था भाई, जिमी से तो बड़ा टीवी ही था। गाइस यार ये जिमी भाई क्या ही स्पीड से भाग रहा है, एक मिनट। वैसे भाई माइकल की भी हालत भाई, देखो सांस कैसे फूल रही माइकल की, और शर्ट पे देखो कितना ही पसीना आ गया भाई इसकी शर्ट पे। चलो आज जिमी देखो पहुंच गया गाइस अपनी लोकेशन पे भाई, हम भाई कितना ही पीछे रह गए यार, कोई बात नहीं। ऊपर से हमारी भाई गियर वाली साइकिल थी तब भी। ओहो ये रहा भाई जिमी भाई, ले भाई थक गया, कोई बात नहीं। अरे भाई दे देंगे यार। You know, this is real nice, Dad. Bonding, good times. Yeah, well, I'm giving it my best shot. Hey, we're having fun, right? You wouldn't know fun if it sat on your face. Ah, come on. I mean, why do I have to hold your hand and say this is bullshit? And why don't you stick your nose up Tracy's butt sometime? Because Tracy doesn't buy cars she can't afford so that thugs break in our house. Tracy doesn't get kidnapped or destroy my yacht. Well, that's just because she's too busy getting fucked by dudes to get on TV. You don't talk about your sister. तो कैसे बोलता भाई ये अपनी बहन के बारे में? But it's true. I mean, according to her Life Invader page, she's hanging out with producers and porno guys this afternoon. What are you talking about? भाई साहब. It's all happening right out there. What? That boat that makes yours look like a refugee raft? You know the kind of boat. भाई साहब. Young, impressionable girl. Drop her pants and spread her legs. This is the reason you brought me here, isn't it? You fuck. भाई साहब यार ये जिमी भाई एक नंबर का। जिमी भाई कह रहा है कि उस शिप के दबे ट्रेसी है और वो भाई कुछ बंदों के साथ है, गलत बंदों के साथ है और उल्टे सीधे काम हो रहे भाई उस शिप में, और भाई इसीलिए भाई जिमी हमें यहाँ पे लेके आया था। Vespucci Beach तो गाइस एक बहाना था यार, जाने को तुम कहीं भी जा सकते थे। उसने भाई Vespucci Beach इसीलिए बोला था क्योंकि उसे पता था कि ट्रेसी भी यहीं पे है। सो टेलीस्कोप से एक बार देख लेते यार। ओके
वो तो है। और हाँ गाइस, मुझे लग रहा है भाई कोई है तो भाई डांस कर रहा है कोई, और ट्रेसी लग रही है गाइस, एक ट्रेसी लग रही है गाइस कई भाई। ये जिमी भी गया, ट्रेसी भी गई, दोनों जाएंगे भाई देखना। चलो गाइस अभी के लिए मैं निकलता हूँ यार, चलो। भाई दोनों के दोनों भाई नालायक है यार, जिमी भी नालायक है और ट्रेसी भी नालायक है भाई। माइक को देखो भाई, टहर के जाना पड़ रहा है यार, क्योंकि भाई आसपास कोई बोट भी नहीं थी। और चलो ओके गाइस, पहुंचने वाले यार हम इस बोट पे, और भाई देखते हैं आगे क्या होने वाला है। चुपके से जाएंगे और देखेंगे सबसे पहले तो कि क्या ही हरकतें हो रही है यहाँ पे। और अगर कुछ उल्टा सीधा हुआ भाई माइकल तो भाई सनक ही जाएगा भाई। माइकल को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि कोई उसकी फैमिली के साथ उल्टा सीधा करे, तो भाई हाथ में गोली लेके चलते हैं और देखते हैं भाई क्या हो रहा है। ये लो भाई, गई भाई, ट्रेसी भी गई, इसके दोस्त भी गए सब। लो भाई रेडियो उखाड़ के भाई फेंक दिया पानी के अंदर। एम्बैरेसिंग मी, दिमाग खराब। भाई साहब भाई साहब गला पकड़ के भाई पानी में फेंक गया। भाई साहब माइकल को जब गुस्सा आता है भाई वो कुछ नहीं सोचता। अभी जस्ट उसने भाई जिमी का टीवी तोड़ा था, और अब भाई और ये भाई बैठ गए बोट पे और चल भाई निकलते गए। और भाई इसके दोस्त भी हमारे पीछे आ गए। रुको भाई फायरिंग कर रहे भाई ये लोग, रुको भाई। लो भाई ले भाई, तू भी ले। और क्या भाई साहब, दिमाग खराब। माइकल ने भाई दोनों के भाई हेडशॉट ऐसा बजाया सीधा भाई मर गए। चलो गाइस शोर पे आ गए, उतरो भाई, उतर उतर उतर। भाई दोनों कार्टून है भाई। गाइस यार माइकल भाई अपनी फैमिली के लिए अच्छा ही चाहता है, वो चाहता है कि वो अच्छे से टाइम स्पेंड करे, लेकिन भाई हो क्या गया यार। उसने भाई सबसे पहले तो भाई जिमी का भाई टीवी तोड़ा, उसके बाद भाई क्रेसी के भाई कुछ फ्रेंड्स को भाई मार दिया, लेकिन भाई मारा भी सही रीजन के लिए, टीवी भी सही रीजन के लिए तोड़ा। माइकल भी गलत नहीं है, लेकिन भाई अब उसकी अपनी बेटी और बेटी से भाई बन नहीं रही भाई। माइकल भाई क्या ही करे यार। और लेस्टर का गाइस मुझे मैसेज आया था, एक मिनट में देखूं। बक्सट्रास पेस्ट कंट्रोल हैव सम वैंस एट देयर वेयरहाउस इन द पोर्ट ऑफ लॉस सैंटोस, देयर सिक्योरिटी इन द पोर्ट, सो गो इन क्वाइट एंड अराउंड द बैक और हिट देम हार्ड एंड फास्ट। ओके गाइस यार हमारी भाई अपनी फैमिली के साथ तो सही से मीटिंग हो नहीं पाई, लेकिन कोई बात नहीं। लेस्टर ने बताया कि लेस्टर को पता चल गया कि बक्सट्रास पेस्ट कंट्रोल वैंस कहाँ पे, तो वो चाहता है कि हीस्ट के लिए माइकल भाई वो लेके आए। तो एक बार मैं गाइस मैप में देखूंगी कहाँ पर है। ओके गाइस भाई साहब ये तो काफी दूर है। सो गाइस वो वैन वाली जगह गाइस काफी दूर है, तो भाई गाड़ी ड्राइव करके जाना कोई मतलब नहीं बनता, तो इससे अच्छा भाई मैं टैक्सी बुला लेता हूँ यार, क्योंकि भाई अभी माइकल भाई स्विमिंग किया काफी थक गया यार। और चलो गाइस हम डाउनटाउन कैब सर्विस को फोन करते हैं और बुलाते हैं कैब गाइस। हेलो जी, जल्दी भेजिए जल्दी भेजिए यार। चलो गाइस a little longer than a few minutes later. ओके गाइस सो हमारी भी कैब भी आ गई। चलो गाइस ओके गाइस सो मैं भाई लोकेशन मार्क कर देता हूँ। चलो गाइस चलो गाइस। अरे भाई यार ठोक दी, देखो भाई कैसे चलाते हैं गाड़ी ये लोग। ओके
सो गाइस यार कैब वाले ने हमें पहुंचा दिया है और यही लोकेशन थी. ओके यार यार कैसे ही चला रहा है यार ये बंदा. कोई बात नहीं. सो गाइस यार कैब वाले ने हमें लोकेशन में पहुंचा दिया है और एक मिनट जाओ कैसे मैं अंदर. मैं ऐसे ही एक बार नॉर्मल बंदे की तरफ जाने की कोशिश करता हूँ. Something. Yeah, I got a class A bug problem. Long overdue. Our booking office is in the city. I'm afraid I can't help you here. Okay. You can't be here. It's too dangerous. Okay, guys. यार ये लोग तो भाई अंदर नहीं जाने दे रहे. ये लोग कह रहे हैं भाई अगर तुम्हें कोई काम है बग से रिलेटेड तो भाई तुम हमारे दूसरे ऑफिस में जाके भाई पहुंचो. यहाँ हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते. तो मैं भाई ट्राई करूंगा चुपके से जाने का. तो इस साइड से तो भाई मुझे कोई रास्ता दिख नहीं रहा. सामने से तो गाइस हमने घुसने नहीं दिया तो हम भाई पीछे सब जाते हैं और देखो मैं देख लूं एक बार. ओके ओके गाइस ये बंदा है सामने. सो गाइस यहाँ पे ये बंदा है भाई. मुझे इसको भाई नॉकआउट कुछ भी करके करना होगा और ये भाई वैन मुझे अभी चाहिए. तो एक बार मैं जल्दी से जाके चलो गाइस ले भाई ले मारा. चल भाई भाई साहब ये हमारे पीछे पड़ गए. हटो भाई रास्ते से. चलो भाई क्या उन लोगों ने पुलिस को बुला दिया भाई साहब. यार पुलिस को बुला दिया उन लोगों ने. अब हमें कहाँ ही निकलेंगे हम. खुद देखो आ गई पुलिस भाई. दो स्टार पुलिस भाई हमारे पीछे पड़ी है उन लोगों ने भाई. ठीक है यार छूट जाएगा यार. माइकल वैसे भी प्रोफेशनल है भाई. ये भाई पहली बार थोड़ी ना हम भाई पुलिस से बच रहे हैं भाई साहब. दो दो गाड़ी तीन तीन गाड़ी भाई दो पीछे का. ये लो भाई गाड़ी हमारी देखो क्या ऐसे ही हो गई. कोई बात नहीं बस अब मैं थोड़ा ऑफ रोड जाने का ट्राई करता हूँ क्योंकि ऑफ रोड में भाई पुलिस की गाड़ी है भाई हमें छोड़ देती है. तो एक मिनट पहले मैं जाता हूँ यहाँ से और फिर यहाँ से गाइस और चलो गाइस पुलिस से हमने छुटकारा पा लिया है. अब भाई निकलते हैं यार. एक मिनट यार जाने का रास्ता कहाँ पे है यार. ये काफी पतला एरिया है तो मेन रोड मुझे शायद मिल गई. ओके यहाँ पे ही पार करना है हमें. ओके भाई ये तो भाई लेस्टर का वेयर हाउस ही. ओके लेस्टर के वेयर. सो गाइस यार लेस्टर ने कहा था उसके वेयर हाउस में पार्क करना है. तो चलो गाइस तो यहाँ पे पार्क कर देते हैं. चलो ओके गाइस ये हमने पार्क कर दिया है काफी सही. और सो गाइस यार बक्स्टर वाला व्हीकल हमने पार्क कर दिया है और लेस्टर को भी फोन करके बता देते एक बार. हेलो हाँ लेस्टर पेस्ट कंट्रोल वैन गुड नाउ वी जस्ट नीड द नॉकआउट गैस आई एम ऑन इट. ओके गाइस अब हमें नॉकआउट गैस चाहिए. तो नॉकआउट गैस मैं एक बार देख लूं गाइस कितना ही दूर है वो भी. ओके यार ये भी काफी ही दूर है. तो इसके लिए भी गाइस हम कैब ही बुला लेते यार क्योंकि गाड़ी तो यार हमारे पास अभी है नहीं. तो चलो इसके लिए क्या बुलाते गाइस. जल्दी आइए. ओके आइए आइए. ओके गाइस मैंने कैब वाले को फोन कर दिया. कैब वाला आने वाला है यार. चलो इसको वेट करते हैं. ओके गाइस मेरे हिसाब से यही कैब वाला है. तो चलो गाइस अंदर चलते हैं. और चलो गाइस मच लेटर. सो गाइस यार हम कैब लेके तो आ गए लेकिन यार वो जो गैस नॉकआउट गैस है यार वो भाई एक चलती वैन में. तो हमें भाई टैक्सी से तो हम भाई चलती वैन का पीछा कर नहीं सकते. तो यहाँ से भी तो एक गाड़ी चला लेते हैं किसी को क्या ही पता चलेगा. तो ये भाई दो सीटर गाड़ी है छोटी सी नैनो टाइप. और चलो गाइस ओके सो गाइस यार नॉकआउट पे कर यार लेस्टर के इन्फॉर्मेशन के हिसाब से भाई वो यहीं पे कहीं था. तो ओके
ओके गाइस, ये रहा। सो गाइस, ये ह्यूमन वैन हमें भाई स्टील करनी है, तो एक मिनट अभी भाई रेड लाइट है, तो चलो गाइस। सर जी एक मिनट, आपसे बात करनी है, निकलिए एक बार। चलो भाई, चलो गाइस। ओ भाई, उस बंदे ने हमारे पे गोली चलाने लगे यार। भाई साहब, हमारे पीछे वन स्टॉप पुलिस भी पड़ गई, उस बंदे के पास भी गोली थी यार। मुझे लगा था गाइस वो सीधा साधा ही बंदा होगा, लेकिन यार गोली लेके चल रहा था वो। सो गाइस, यार पीछे हमने पुलिस से छुड़ा लिया, अब भाई इसे भी ले जाके हमें बड़ी पार्क करना है। फिर उसके बाद गाइस लेस्टर हमें बताएगा कि हमें आगे क्या ही करना है। तो रुको गाइस, भाई साहब ये काफी भारी वैन है भाई, लगता है इसके अंदर काफी गैस है। और चलो ओके गाइस, यहाँ से भाई लेस्टर का वेयर हाउस देखो आ गया है, और इसको भी भाई हमें वहीं पे पार्क करना है जहाँ पे हमने पहले वैन पार्क की थी। तो चलो गाइस, इसे भी पार्क कर दिया हमने। चलो गाइस उतरते हैं, और लेस्टर को एक बार बताया था हमने भाई काम कर दिया है, अब आगे का बताओ। हेलो लेस्टर भाई, ओके ओके, सारी चीजें हीस्ट के लिए अरेंज हो गई है, और अब नेक्स्ट एपिसोड भाई हीस्ट के ऊपर आने वाली है। यस गाइस, खतरनाक हीस्ट होने वाली है। तो अगर आपने यहां तक देखा तो बहुत बहुत थैंक यू, और मिलते भाई नेक्स्ट एपिसोड में। मेरा नाम है वेंकी, बाय।